कि सत्य के लिए लड़ना चाहिए और ऐसी ढोंगी पाखंडियों का चेहरा समाज के सामने लाना चाहिए, नहीं तो ये लोग पता नहीं कितनी और लड़कियों के साथ ऐसा काम करते और कितनों के जीवन बर्बाद करते। कोमल जी, हाँ जी, मैं ये सो कॉल्ड पीड़िता से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अगर आपके साथ 2002 में ये घटना होती है एज पर शी ऑलवेज सेइंग इन द मीडिया, तो 2003 में जब इनकी छोटी बहन उसी आश्रम में रहने आती हैं, उसी दुष्प्रकार की संस्था में रहने आती हैं, तो ये उनको कुछ नहीं कहती हैं, ये उनको बड़े आराम से आने देती हैं। मुझे इतना पता है कि जिस लड़की के साथ ये व्याख्या होता है ना, वो अपनी भाई बहनों को तो क्या, अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे सो कॉल्ड चीजों पर आने नहीं देती हैं। उसके पास 10 ऐसी चीजें होती हैं, इसकी छोटी बहन आती है और ये उसको आने से रोकती नहीं है। एंड 2007 में ये आश्रम छोड़ती है, तब तक ये आश्रम की प्रवक्ता बन के रहती है। तो मैं ये सबके दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, जो आश्रम की प्रवक्ता होती है ना, वो जगह जगह जाती है सत्संग करने, उसमें एक बहुत बड़ी पावर होती है, माइक की पावर होती है। माइक की पावर में वो लोगों को बोल सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, क्यों नहीं बोली वो उस समय। वो कहीं कहीं जगह पे जाती थी सत्संग करने, किसी ने उसे बेड़ियों में नहीं रखा हुआ था, क्यों नहीं वो भाग गई तब, क्यों उसी प्रवक्ता की पोजीशन पे कायम रही हो, अमृत प्रजापति जी उसने पोजीशन को छोड़ा। अच्छा, 2007 में ये आश्रम का बहुत ही दबाव था, बहन भी प्रवक्ता बनती है, बड़ी बहन भी प्रवक्ता बनती है, आश्रम में गुरुजी के अच्छे अच्छे कार्यों का बखान करती है, लाखों लोगों को उनसे जोड़ती है। गुरु के अच्छे कार्यों का बखान क्यों करा उन्होंने, क्यों नहीं माइक में बताया सब लोगों की। कोमल जी, अब उनको जवाब देने दीजिए, संवाद का तो यही काम होता है। मैम, अब आप जवाब देना चाहेंगी कोमल जी का? देखिए, वो बोल रहे हैं कि उनकी छोटी बहन को क्यों आने दिया, तो उनको ये बता दीजिए कि मैं उनकी वो छोटी बहन ही बोल रही हूँ और तो मैं क्यों आ गई, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरा, क्यों आ गई आप, क्यों नहीं रुकी जब आपकी बड़ी बहन के साथ आसाराम बापू ने ऐसा दुष्कृत्य किया था, आप उसी जगह में क्यों आने के लिए लाया है, तो भाई क्यों बनी रही आप आश्रम में? मुझे मुझे आश्रम में इस तरीके से लिया गया था कि मेरे फैमिली को भी मैंने बताया नहीं था, मुझे उन लोगों ने भागने पे मजबूर किया था, मुझे कुछ ऐसा खिला दिया था कि मैं 3 दिन में मेरा माँ बाप का घर छोड़ के चली गई थी। मेरी बड़ी बहन को तो पता भी नहीं था, और जब उसको पता चला तब उसने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मेरे माँ बाप ने कोशिश की, पर ये आश्रम वालों ने किसी ने जवाब भी नहीं दिया कि मैं कहाँ हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, 3 दिन घुमाते रहे और आश्रम में मेरा नाम भी चेंज कर दिया। फिर 2007 तक क्यों बन के रही प्रवक्ता, क्या 2007 का खिला पिला दिया आपको, आप तब तो भाग सकती थी, 3 दिन के बाद तो आप पर उतर चुका होगा, क्यों नहीं भाग के गई आप प्रजापति जी? 2007 तक आश्रम में नहीं रही हूँ। आप पहले ये समझ लीजिए, मैं 2005 में निकल गई थी, मैं उनकी छोटी बहन ही बोल रही हूँ, मैं बड़ी बहन नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, आप 2005 में निकल गई, तो आप 2 साल क्यों रुकी रही फिर आश्रम में, इस जगह पर जब आपके साथ ऐसे दुष्कृत्य होते थे तो आप निकली क्यों नहीं?